बताइए, आप लोग कहते रहते हैं कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ बताइए। इस स्थिति में कट ऑफ का एनालिसिस कर भी लिया जाए तो क्या मिल जाएगा? ये वीडियो नहीं बनने वाला था, हम लोग कट ऑफ के ऊपर ही चर्चा करने वाले थे, क्योंकि कई दिनों से आप सर के मैसेज आ रहे थे और इसके लिए हमने प्रॉपर जो डाटा भी डेटा था वो हमने आप सबसे लिया था, आप सब अपने स्कोर भी बताए थे, तो एनालिसिस हमने कर लिया था। लेकिन ये न्यूज सुनने के बाद हिम्मत नहीं हुई कि उस टाइप का डेटा बनाया जाए और उस तरीके का वीडियो बनाया जाए। क्या है पूरा खबर सर, थोड़ा इसको ब्रीफ करिए। देखिए सर, जो अभी न्यूज आ रही है कि कोई फ्रॉड है, आदमी है जी, वो कॉल कर रहा है बच्चों को और उनका पूरा डिटेल बता रहा है और बोल रहा है कि आप 20,000 रुपए दीजिए, अच्छा आपको मेरिट में हम आपका नाम दिखा देंगे। अब देखिए, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बिल्कुल। ये जो डाटा लीक हो रहा है ये पूरा विभाग से हो रहा है, और यहाँ पे दो प्रकार के लोग हो जाएंगे। एक तो कहेंगे कि कोई भी कॉल करता है इसे विश्वास थोड़ी ना कर लेना है, बिल्कुल नहीं करना है, इस तरीके की फेक चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसके पास आपका डेटा कैसे है, आपने कौन सा पेपर दिया, कौन से शिफ्ट में दिया, हाँ ये तो क्या आपका नाम है, क्या आपके पिताजी का नाम है, ये डेटा सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तक बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ तक वो बता रहा है। बताइए, ये डेटा सिर्फ और सिर्फ विभाग के पास होता है। कोई भी जो संस्था होती है, अगर टेट ले रही है तो बिहार बोर्ड के पास होगा, अगर वैकेंसी का तैयारी ले रही है तो बीपीएससी के पास होगा। जी बिल्कुल। तो सर पहले भी यही मैटर निकल के आया था, अच्छा पहले भी यही था कि कोई फ्रॉड आदमी ऐसी कॉल कर करके बोल रहा था बच्चों को, अच्छा, और यही मामला फिर से दिखाई दे रहा है, तो शक तो सर बनना बिल्कुल। थोड़ा सा सरकार इस चीज पे ध्यान दे, यही विनती है। और क्या विनती है, कहीं और कुछ बच नहीं गया है इंडिया में। आप इंट्रेंस एग्जाम से लेके सर आप कुछ नहीं छोड़े हैं, अपर यूपीएससी तक भी अभी कुछ दिन पहले खबरें आ रही हैं कि वो कैटेगरी का मामला था, रिजर्वेशन में उन्होंने फायदा लेके चला गया, तो कुछ नहीं छूट रहा है। इस स्थिति में क्या किया जाए, सरकार से यही विनती है कि जो भी विद्यार्थी होते हैं वो काफी मेहनत करके तैयारी करते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से चीजें को रोका जाए, वरना फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा ऐसे परीक्षाओं का और ऐसे रिजल्ट का, कुछ नहीं रहेगा सर। वो सरकार बोल भी रही है कि हम कड़े इस पे इंतजाम कर रहे हैं, देखो ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले देखा हमने केंद्र में कुछ बिल भी पास हुआ था इस पे, हाँ हुआ था, लेकिन क्या ये कोई इस पर रोक ही नहीं है, कुछ तो इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। और इस तरीके के जब भी गिरोह का पता चल रहा है तो उसको सामने लाया जाए, उसको प्रॉपर उस पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, पब्लिक डोमेन में ये पता चले कि जो व्यक्ति है उसके ऊपर क्या कार्रवाई चल रहा है। जनरली ऐसे कुछ पता नहीं चलता सर, कुछ दिन तक ये मामला हाईलाइट रहता है, दब जाता है। आधी से अधिक पेपर लीक का मामला आता है तो पेपर जो है रद्द हो जाता है, फिर नया पेपर हो जाता है, फिर वही काम हो जाता है, तो फिर क्या मतलब है। जी सर, अभी बिहार में न्यूज भी आ रही थी कि उस पर कुछ कानूनी बिल बनाया है जी, आप पेपर आउट करने वालों को 1 करोड़ रुपए 6 महीने की सजा ऐसे कुछ, तो अभी देखते हैं इस पे क्या होता है, देखते हैं। और इसमें ये जो मैटर है ना, अगर सच में ऐसा कुछ मैटर रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये हर जगह न्यूज में फैल रहा है, इस पे गहन चिंतन होना चाहिए, क्योंकि ये विभाग से ही लीक हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, विभाग से है सर पूरा। देखिए चीजें चल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, डाटा भी लीक हो रहा है, लेकिन आपको सावधान रहना है, आप अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे कॉल आए या कोई आपको कॉल करे तो आपको फंसना नहीं है जी, फेक कॉल भी हो सकते हैं, होते हैं सर बिल्कुल। और इस तरीके का सिलेक्शन लेके आपको क्या ही कर लेंगे, आप अपने खुद से पूछ के देख लीजिए, आप कभी अच्छा फील नहीं करेंगे। और इस तरीके का सिलेक्शन कभी ना लीजिए, आगे चल के जब कार्रवाई होगी, जब जांच होती है, तो ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है और ऐसे लोग सलाखों के पीछे भी जाते हैं, और सबसे ज्यादा फिर प्रॉब्लम आप ही के लिए होगा। तो सबसे बचे रहे, ईमानदारी से रहे, सरकार कुछ करे ना करे और कर भी रही है सर, बिल्कुल कर रही है सर। तो देखिए ये न्यूज थी, और आप कट ऑफ की बोल रहे हैं तो कट ऑफ की हम आपको बता दें, जल्द पूरा हमने डाटा तैयार कर लिया था, बट आपके लिए ये न्यूज जरूरी था तो हमने सोचा कि आपको अवगत कराया जाए। और आप फंसना मत, अगर आपको कॉल आ सकता है, देखिए लगभग सभी के पास आ रहा है, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं बिल्कुल, तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। कोई ऐसा नंबर मिले या कोई कॉल आए तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, बता सकते हैं कैसे ऐसा कॉल आ रहा है बिल्कुल, और इससे कट ऑफ प्रभावित होगा। ओबीसी बात है, देखिए अगर ऐसा घोटाला देखने के लिए मिलेगा तो कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा सर। पिछली बार भी बहुत कट ऑफ आई गया था तो इसका ये भी एक रीजन था, और इस बार भी देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, हम तो यही कहते हैं नहीं हो, लेकिन अगर होता है तो क्या ही कर सकते हैं।
फिर भी आपको सावधान रहना है। कट ऑफ पर अपन जल्द वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे कितना रहेगा, और ऐसा कुछ होगा तो कट ऑफ हाई भी हो सकता है प्रभावित। ऐसा कुछ हुआ तो जो कट ऑफ बताया जाए यार, जिस चीज का एनालिसिस किया जाए, वो सारे एडुकेटर जो है वो फेल हो जाने वाले हैं। किसी का एनालिसिस काम ही नहीं करेगा अगर इस प्रकार की खबरें हो जाए और इस प्रकार से चीजें रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाए। तो आप लोग समझिए, एक चीज ये हो सकता है कि आप लोग अपने काम को ईमानदारी से करिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे एग्जाम है, ये सब चीजें हो रही हैं, आवाज बस उठाते रहना है ताकि सरकार का नजर इस चीज पे जाए और आने वाले समय में चीजें कम हो, क्योंकि कुछ नहीं बच रहा है। मतलब एक तो इंडिया में सर एक नैरेटिव हो गया है कि अगर कोई परीक्षा हो रहा है तो उसमें धांधली होगा धांधली आदमी, ये कन्फर्म हो चुका है। कोई परीक्षा आप उठा के देख लीजिए, और सर ये सही सी बात है, हो भी नहीं रहा कोई परीक्षा, बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से। बताइए तो इसमें थोड़ा सोचने की बात है। चलिए तो क्या कहें अब, आप लोग आपको जो भी लगता हो अपने विचार पेश कर सकते हैं कमेंट में, और बताइए आपकी क्या राय है इस पे, कट ऑफ अपन लेके आए या न लेके आए। देखिए डाटा हमने तैयार अच्छे से तैयार कर लिया, हमने आधी वो वीडियो बनाने वाले थे क्योंकि लगातार दो दिन से कॉल आ रहा था, बट ठीक है देखते हैं शाम या कल तक आपको मिलता है वो वीडियो। फिलहाल के लिए यही खबर है और आवाज आप लोग उठाइए, उसी लिए कहा जा रहा हर एक माध्यम से, ट्विटर पे जाके वीडियो बना के कैंपेनन करके, ताकि ये आप ही लोग के साथ जुड़ा हुआ है। इतना आप लोग मेहनत करेंगे फिर बाद में ये सारी चीजें आती हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है आपके मेहनत का, कोई क्या हो रहता है। वो तो कहने वाली बात है कि आप लोग ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से ही तो पढ़ाई करके आप लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं, ईमानदारी से ही तो पढ़ाई पाके आप लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि आपका कट ऑफ में नाम आए, और फिर कोई 20,000 रुपए में वो सारी लिस्ट को खत्म कर देते हैं। मन में आता है सर, क्या सामने वाला बताइए 20,000 रुपए हम मेहनत कर रहे हैं तो हम भी ऐसा कुछ कर लें, लेकिन ये इसको डगमगाना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल ईमानदारी से चलेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा काम करेंगे, वो अगर ऐसे करके नौकरी ले भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक नौकरी करेंगे डर ही बना रहेगा फिर आप भी अपने आप से कभी नजर नहीं मिला पाएंगे। तो हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके कभी आए तो आप इस पे तुरंत पुलिस कंप्लेन करिए, सीधी सी बात है, और इस सबसे बचिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।